काफी दूर है मुंडारी ट्राइब ना, जुबा जो कैपिटल है साउथ सूडान की, वहाँ से काफी दूर हो जाता है ये गांव। देखो आप क्या प्यारा गांव है, क्या जबरदस्त गांव है। ऐसे इसको यूनियन के नीचे ये लोग जाते। आप बॉडी स्ट्रक्चर देखो, क्या हेल्दी लोग हैं ये। पीटर है जो गन के साथ बाथरूम करने जा रहा है। बहुत जबरदस्त है, इनके सींग देखो कितने बड़े बड़े सींग है। ये देखो आप तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। अभी मैं हूँ साउथ सूडान की कैपिटल जुबा में। आज मुझे यहाँ पे आए लगभग 7 से 8 दिन हो गए, सर 6 या 7 दिन हो गए। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नाइल रिवर वगैरह को एक्सप्लोर करने। आप लोगों को बता दो, नाइल रिवर है जो साउथ सूडान में भी है। साउथ सूडान में इसको बोलते हैं व्हाइट नाइल रिवर। मैं इजिप्ट में था ना, तभी इसको वहाँ पे बोलते हैं ब्लू नाइल रिवर। यहाँ पे कोई डाग एनसी लॉज है, आप लोगों को बता दूं यहाँ पे लॉज वगैरह होटल वगैरह ना $100 से नीचे नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने शायद एक पहले वाले वीडियो में देखा होगा। यहाँ पे जैसे वो सामने नाइल रिवर है, नाइल रिवर के बाहर आप लोगों को बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मिल जाएगी। प्राइस वगैरह तो मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी अभी कितना क्या प्राइस लेते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव होगी। जैसे नाइल रिवर के किनारे पे है ना, तो मे भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी। क्या पका रहा है भाई? जैसे हम लोग इंडिया में वो खाते हैं, क्या बोलते हैं, चिकन वगैरह फ्राई कर, रोस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ तो यार मुझे लगता है नाइट में अच्छा खासा माहौल होता होगा, लोग काफी एंजॉय करने के लिए आते हैं, बियर वगैरह ले रहे हैं लोग बाग। यहाँ पे देखो वाह, अच्छा माहौल है सर यहाँ पे तो। बढ़िया माहौल कर रखा है लोगों ने। जनरली हम लोग यहाँ पे आया करते हैं। अच्छा संडे को? अच्छा यहाँ पे रश रहता है तो खैर वीकडे है ना, सैटरडे संडे को काफी रश रहता है। ये बोट चलती है रिवर नाइल के अंदर। अच्छा, इसमें कोई 100 बंदे करीब इसमें जाते हैं। अच्छा, इसमें खाना पीना शाप वगैरह सब कुछ सर्व करते हैं। अच्छा, छोटी बोट्स भी हैं जिनके अंदर जाते हैं लोग। अभी हम लोग आ गए नाइल रिवर के किनारे। यहाँ पे बोट वगैरह क्रूज वगैरह मतलब होता है, ये नाइल रिवर में ले जाते हैं और फिर यहाँ से 1 घंटे की बोटिंग होती है। उसका ये $100 पर कैंडिडेट चार्ज करते हैं। हम लोग इजिप्ट में इस रिवर को देखेंगे तो बिल्कुल ब्लू रिवर मिलेगी, और यहाँ पे जो व्हाइट रिवर है ये मतलब थोड़ी सी ठीक है, डटी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कीचड़ वगैरह, देखो थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा वैसे गारा टाइप का गंदा पानी है यहाँ पे। इजिप्ट में तो बहुत ब्लू दिखती है, इजिप्ट में बहुत जबरदस्त दिखती है, ये व्हाइट नाइल है। हाँ हाँ, तो सामने भी रेस्टोरेंट वगैरह है क्या? अच्छा अच्छा, इंडियंस ने लिया है वो। अच्छा, इंडियंस ने लिया है वो। सामने आप लोगों को जो रिजोर्ट दिख रहा है वो इंडियंस ने लिया है, अभी नया ही रिजोर्ट बन रहा है वो सामने। अभी यहाँ पे लंच वगैरह करके फिर हम लोग जाएंगे मुंडारी ट्राइब को भी घूमने जाएंगे। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है मंगाला कोई जगह है, वहाँ पे मुंडारी ट्राइब को घूमने जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लंच वगैरह करते हैं। और ये टस्कर यहाँ की बियर, ये वैसे तो केन्या में बनती है लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया, यहाँ पे सारा सामान केन्या से आता है। एक टस्कर बियर का प्राइस होगा लगभग 2,000 साउथ सूडानी पाउंड, 160 इंडियन रुपीज़ की लगभग ये टस्कर बियर है। यहाँ पे अपना खाना आ गया है, हम लोगों ने किया है चिकन एंड यहाँ की कुछ लच्छा पराठा वगैरह ऑर्डर। तो खाना पीना खाते हैं। यहाँ से हमारा खाना पीना हो गया जो नोटोस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा टोटल बिल था लगभग 15,000 साउथ सूडानीज पाउंड, वो होता है लगभग 1,200-1,300 इंडियन रुपीज़ की लगभग। तो अभी हम लोग यहाँ से खाना पीना खा के अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मुंडारी ट्राइब। लगभग 70-80 किलोमीटर दूर रहते हो, मंगाला एरिया है यहाँ साउथ सूडान जुबा से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर। तो चलते हैं वहाँ पे और आप लोगों को दिखाता हूँ मुंडारी ट्राइब का कल्चर। एक पर्पज़ ये भी था साउथ सूडान आने का कि मैं मुंडारी ट्राइब को विजिट करूँ, उसका कल्चर वगैरह देखूँ और आप लोगों को भी उसका कल्चर वगैरह दिखाऊँ। आप लोग सामने बच्चे देखो, पता ही अभी अभी ट्रॉफी जीत के आए हैं, फुटबॉल ट्रॉफी, राइट? फुटबॉल, डेवन फुटबॉल मैच। वाह भाई वाह, बच्चों का जश्न देखो आप लोग। हम लोग अभी जुबा टाउन से बाहर आ गए हैं और हमें यहाँ से जो केटल कैंप है मुंडारी ट्राइब का वहाँ तक पहुँचते लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। तो देखते हैं, हमें वापस आते आते तो मुझे लगता है 7-8 बज जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं मुंडारी ट्राइब को और जो रास्ते में दिखती जाएगी वो भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाते जाऊँगा। रास्ते की खूबसूरती तो एकदम लाजवाब है, आगे देखते हैं मुंडारी ट्राइब पहुंचने के बाद कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यहाँ पे पहली बार मैंने साउथ सूडान में 4 लेन रोड देखी है, बाकी आप लोगों ने टर्की का साइड में देखा होगा वहाँ पे 2 लेन रोड थी, लेकिन रोड पूरा का पूरा खाली पड़ा है, मुश्किल से 1-2 व्हीकल आप लोगों को कहीं कहीं नजर आएंगे।
हम लोग अभी मुंडारी ट्राइब के रास्ते पे ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक गांव इतना जबरदस्त दिखा, इतना खूबसूरत प्यारा सा गांव दिखा, हम लोगों ने सोचा यार ये तो रिकॉर्ड करना बनता है, देखना भी बनता है, आप लोगों को दिखाना भी बनता है। तो मैं इस गांव को थोड़ा सा देखने के लिए ऐसे ही रुक गए हैं। काफी दूर है मुंडारी ट्राइब ना, जुबा जो कैपिटल है साउथ सूडान की, वहां से काफी दूर हो जाता है, लगभग 2 घंटे की ड्राइव हो गई हमारी। भाई साहब ये गांव देखो आप, क्या प्यारा गांव है, क्या जबरदस्त गांव है। यहाँ के घर देखो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, देखा एकदम क्लीन है। यहाँ पे चिंगू मिंगू इकट्ठे हो गए, देखो अभी गांव के थोड़ी देर और रुक जाएंगे ना, 5 मिनट पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। ये हम लोग रोड से ही जा रहे थे तो रोड के जस्ट बगल में एक गांव था, ये देखो अभी थोड़ी देर 5 मिनट और रुके और ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो चलते हैं यहाँ पे। आप लोगों को पता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग से कितना प्रॉब्लम है लोगों को, वो देखो धीरे धीरे सारे के सारे इधर ही आते जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में पूरा गाँव चारों तरफ हो जाएगा हमारे। और रोड देखो, सड़क तो क्या जबरदस्त सड़क बना रखी है इन लोगों ने। क्या बोल रहे क्या बोल रहे हैं ये देखो ये हमारी गाड़ी को चारों तरफ से आके घेर लिया इन लोगों ने। लोही तो बाहर ये देखो ये पूरा गांव इकट्ठा हो गया यहाँ पे। बस थोड़ी देर और रुके और सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा, ये देखो सारे के सारे लोग आके गाड़ी के चारों तरफ हो गए हमारे। वो देखो पीटर, पता है हम लोग यहाँ पे बाथरूम करने के रुके हैं तो पीटर गन लेके जा रहा है, मतलब ये एरिया ऐसा है ये थोड़ा सा सेफ नहीं है, पीटर है जो गन के साथ बाथरूम करने जा रहा है, मतलब हम लोग सभी लोग उतरे हैं रोड के बीच में बाथरूम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बैंडिट वगैरह डाकू वगैरह होते हैं, ये जो ट्राइब्स वगैरह होती है उनके पास भी गन होती है, तो अभी ठीक है लोगों को लूट कसोट कर लेते हैं लोगों के साथ, तो यहाँ पे गन वगैरह के साथ आना कंपलसरी है। कहीं भी जाओ बाहर जाओ तो ऐसी जगहों पे रुको तो गन के साथ उतरो आप लोग, बिना गन के उतरे तो फट चारों तरफ से कोई भी आ सकता है आपके। और आसपास पूरा जंगल 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 जंगल, कुछ नहीं है। वो कहाँ गया है यार, वो पीटर कहाँ गया भाई हमारा ड्राइवर। ये देखो सुसु करने के लिए बंदूक साथ में लेके गया है भाई। पीटर ओ यो अनदर वन, दो दो राइफल लेके चलता है भाई। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए मुंडारी ट्राइब के कैटल कैंप को, यहाँ पे हम लोगों ने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है और चलते हैं मुंडारी ट्राइब के कैटल कैंप को। आप लोगों को बताते हैं मुंडारी ट्राइब का कल्चर कैसे, क्या रहते करते हैं, इन लोगों के लिए गाय के क्या मायने हैं, सब कुछ दिखाने वाले हम आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग इन लोगों के लिए थोड़ा खाने पीने का सामान भी लेके आए थे, ये बच्चे देखो सो गाइज ये है मुंडारी ट्राइब का कैटल कैंप और आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, मैं सोच रहा था, अब तक पता है मैं क्या सोच रहा था, ये केवल एक कैटल कैंप है, लेकिन ये एक कैटल कैंप नहीं है, ये बहुत सारे कैटल कैंप है। और यहाँ पे जो मुंडारी ट्राइब की जो गाय है ना, ये अलग ही नस्ल की है, ये ब्रीड है ना, ये गायों की नस्ल है ना, केवल साउथ सूडान में पाई जाती है, मैंने ऐसा सुना है, बाकी मुझे नहीं पता और कहीं पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताना। बाकी मैंने जहाँ तक सर्च किया है ना, मुझे यही पता है कि ये जो ब्रीड है ना, गायों की नस्ल है, ये केवल यहीं पाई जाती है साउथ सूडान में। ये देखो यार आप तो भाई, क्या जबरदस्त इनके सींग देखो, कितने बड़े बड़े सींग है, मतलब एक बार तो बंदा ना देखते ही डर जाए। ओ माई गॉड, ये देखो
मुंडारी ट्राइब में है जो मेन बाहर का काम करते हैं, अपने केटल्स की देखरेख करते हैं, केटल्स को जंगल में चराने जाते हैं, और महिलाएं जो घर का काम करती है। अभी महिलाएं जो आसपास कुछ काम करने गई है खेतों वगैरह, एक से बढ़ के एक सींग है इन गायों के, और आधी गायों को इन्होंने बांध रखा है, आधी गाय खुली है। इसको देखो भाई साहब, ये देखो आप तो, वो तेरी तो, अरे तेरी तो भाई साहब वो तो अग्रेसिव हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये भी हाय, हाउ आर यू, फाइन। उधर है जो अलग लोगों के केटल कैंप है। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? मार्टिन। ओके, नाइस टू मीट यू मार्टिन, यू आर फ्रॉम मुंडारी ट्राइब, सो दीज केटल्स आर योर्स? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। या ब्राउन हेयर, ओके, फॉर ब्राउन हेयर यू यूज काउ यूरिन। ओके, सो आप लोगों को बता दूं गाइज, ये जो काउ यूरिन होता है ना, इसमें लोग ना वो सावर लेते हैं, और ये जो काउ डंग होता है यार, ये देखो राख है ना, इससे लोग, अरे यार धुआं आ गई मेरे मुंह में, इसको ये लोग अपने सिर में लगाते हैं, चेहरे पे भी लगाते हैं। काउ यूरिन में सावर लेने से इनके ये बाल ना थोड़े से ब्राउन कलर के या गोल्डन टाइप के हो जाते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पे काफी लोगों के ना ये बाल है ना गोल्डन टाइप के हैं, वो इसीलिए होता है कि ये लोग ना इसमें सावर लेते हैं। भाई ये मारेगा मेरे को, ये ऐसे लग रहा है मारेगा बनता है, एक बारी तो डर ही जाए। Mangar. Good one. Mangar. This one, if you want it, you pay $10,000. If you are marrying, $10 million. $10 million? $10 million to get it. $10 million. $10 million? Yeah. You know the problem is where? They can't even SSP. SSP, okay. 10 million pound price. No, 10 million, it's small. It's small. $10 million. We will charge even $3,000 or $4,000. We will charge for this one. For this one, $3,000? Because the color. The color, you just see the color. Find it anyhow. Okay. It's not easy to get it. Okay, it's not easy to get this type of color. They are just putting the name of the shawl. If you marry the girl with this one, okay, you cannot know my when you want the shale. If it is a boy, you can put the name. Okay. ये जो बैल है यार, गाय नहीं, इसका नाम है मंगार, पता है। अब आप लोगों को इसकी खासियत बताता हूँ, ये कलर की वजह से ना, ये इसका कलर देखो अलग कलर है, और इसकी प्राइस पता है भी कितनी बता रहे थे हो? $4,000। $4,000 का मतलब हो गया गाय 3,20,000 रुपए एक इस बैल की प्राइस है। और आप लोगों को बता दें, मुंडारी ट्राइब के लिए ना इनकी गाय सब कुछ होती है, मतलब कि ये दहेज में गाय देंगे, ठीक है, खाने पीने से लेके इनका दूध वगैरह सब, इनकी जो डेली लाइफ स्टाइल है ना वो गायों के आसपास इर्द गिर्द ही बीतती है। मतलब ये सुबह उठते हैं, ठीक, गौमूत्र में सावर लेंगे, और सुबह उठेंगे वो राख से नहाएंगे धोएंगे। अभी मैं शाम को आया हूँ, तो शाम को ये नाना धोना वो राख से तो कर नहीं रहे, बाकी जो गौमूत्र में सावर वगैरह भी कोई लेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। काफी सारे लोग लेते हैं, ये लोग कितनी भी शादियां कर सकते हैं, और एक शादी करने के लिए कम से कम 100 गायों के लगभग लड़की वालों को देते हैं, लड़की के घर वालों को। अब आप लोग देख लो, एक गाय का प्राइस, आप वो तो स्पेशल गाय थी, आप लोगों को भी बताई, वो उसका प्राइस था लगभग $4,000, क्योंकि वो स्पेशल थी, बाकी नॉर्मल गाय है। ऐसी एक गाय का प्राइस होता है कम से कम 10,000 इंडियन रुपीज। और ये देखो, ये है सारे के सारे मुंडारी लोग। ये देखो इनके, देखो ये बाल दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये है ना ब्राउन टाइप की, इसलिए है कि ये लोग काउ यूरिन में सावर लेते हैं, गौमूत्र से ही नहाते धोते हैं ये लोग। गाइस हाइट देखो आप लोग तो, वाह यार, ये इन लोगों का देखो आप बॉडी स्ट्रक्चर देखो, क्या हेल्दी लोग हैं ये। मुचंग नेम सारों का एक ही नाम है। इट्स कॉल्ड उचंग। उचंग मींस उचंग। उचंग उचंग इज समबडी हु इज अ फॉलोअर ऑफ द एल्डर ब्रदर। ओके ओके, यू हैव एल्डर ब्रदर एंड देन यू फॉलो हिम, देन इमीडिएटली यू कैन बी कॉल्ड उचंग। ओके ओके, लैंग्वेज या 62 कितनी हो गई? मेरी हाइट 62 है। दिस वन मगर आपको दिखाओ, ऐसे ही इसको यूरिन के नीचे ये लोग जाते हैं और सर वगैरह धोते हैं, इसी से ये सब कुछ लोग होना आसान। गाइस आप लोगों ने देखा, जी लोग ऐसे यूरिन में वो सावर लेते हैं, तो इनके बाल ना बिल्कुल ब्राउन कलर के गोल्डन टाइप के हो जाते हैं। मैक्सिमम लोगों के ना, आप लोगों के बाल ना गोल्डन टाइप के मिलेंगे यहाँ पे। यूनिक कल्चर है, मतलब गाय इन लोगों के लिए सब कुछ है, इन लोग गाय के लिए जीते हैं, गाय के लिए मरते हैं।
रात को भी गाय की सिक्योरिटी में लोग आसपास चक्कर काटते हैं, एक वहाँ सोएगा, एक वहाँ सोएगा, एक वहाँ सोएगा। आसपास की जो यहाँ की ट्राइब्स है ना, वो मतलब इन पे हमला भी कर देती है यहाँ की गायों को चुराने के लिए। मान लो कभी कभार बहुत सारी ट्राइब्स हमला कर देती है, इनके पास AK-47 गन्स भी होती है। मुंडारी ट्राइब की जो भी लोग है ना, हर किसी के पास AK-47 गन मिलेगी। ये जंगलों में जाएंगे तो भी AK-47 गन साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी दूसरी ट्राइब का अटैक करने का डर होता है इन लोगों को। दिखाते हैं आपको और कि कैसे ये लोग इनका डेली की ये दिनचर्या है इनकी, और इस तरीके से ये देखो, ये भाई जहाँ भी यूरिन कर रहे हैं ना गाय, वहाँ वहाँ जाके सावर ले रहा है हर गाय के नीचे। गाइस सनसेट होने का आया, ये आप लोग देखो सनसेट हो रहा है। ये देखो भाई साहब, ये बहुत अग्रेसिव हो रहा है, ये सबसे महंगा इसीलिए तो अग्रेसिव नहीं हो रहा है भाई तू। ठीक है, अरे भाई साहब इससे तो इतना डर लग रहा है ना मेरे को, मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। ये लोग अपनी गाय वगैरह बेचते नहीं है, मतलब इनको कभी ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी ना, हाँ कि अब तो बस अटकी पड़ी है, कोई चारा नहीं है, अब अटकी पड़ी है, ठीक है कोई गाय निकालनी पड़ेगी, तभी ये लोग अपनी गाय वगैरह को बेचते हैं, बाकी ऐसे बेचते नहीं है। लेकिन इनका दूध वगैरह यहाँ से निकाल के और सड़कों पे जाके और बाकी आने जाने वाले लोग है ना, उनको दूध वगैरह बेचते हैं इनका ये। हाय, ये देखो अभी यार यहाँ पे बहुत सारे मुंडारी ट्राइब के लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। हाय ब्रो, हाउ आर यू, गुड। आग जला रहे हैं और एक काव डंग तो चारों तरफ जला के रखते हैं। वो देखो काव के वो है ना गोबर वगैरह को ये चारों तरफ जला के रखते हैं। वो देखो वो वहां पे भी इन्होंने गोबर जला रखा है और इधर भी गोबर जला रखा है, उधर भी चारों तरफ मतलब हर जगह गोबर जला के रखते हैं, इसलिए आपको धुआं धुआं दिख रहा होगा यहाँ पे। और गाइस लाव जी देखो कितने डेडिकेशन से वीडियो बना रहे हैं। मैं लाव जी का चैनल मेंशन कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं लिंक, आप लोग लाव जी के चैनल को जरूर चेक आउट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मेहनत लगा रहे हो सर आप वीडियो बनाने में। कोशिश है यार, छोटी सी और क्या। सो गाइज हम लोग अभी वो मुंडारी ट्राइब को घूम के आ रहे हैं, वो आप लोगों को पीछे दिख रहा होगा उनका केटल कैंप। सनसेट हो गया है, अंधेरा होने वाला है, हमें यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर जाना है और रास्ता थोड़ा सा रिस्की है। आप लोग दिन में आओ, मॉर्निंग में जल्दी आओ तो ज़्यादा बेटर है, शाम को भी आओ ना तो थोड़ा सा दिन में निपटा के निकल लो ना, वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर यहाँ पे नाइट में ना थोड़ा सा रिस्की है और लंबा रास्ता है। वो देखो सनसेट हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा, ये मुंडारी ट्राइब का कल्चर बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मैंने काफ़ी ट्राइब्स वगैरह दिखाई आप लोगों को, इथियोपिया की दिखाई, ठीक है, केन्या की भी दिखाई आप लोगों को, तंजानिया की दिखाई, नामीबिया की दिखाई, उधर इंडोनेशिया वेस्ट पापुआ की भी ट्राइब्स दिखाई, काफ़ी ट्राइब्स दिखाई है मैंने आप लोगों को। लेकिन ठीक है, इनका कल्चर उन सबसे बिल्कुल ही हटके है, तो वैसे सभी ट्राइब्स का अपना अपना कल्चर होता है। तो ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप कि ये एक मुंडारी ट्राइब का कल्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जल्दी से 1 मिलियन पहुँचा दो यार, क्या कर रही हूँ, फटाफट 1 मिलियन पहुंचाओ, फिर और भी अपन अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।